अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3.3 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्या है ये क्वेश्चन? इक्वेशन दी हुई है कि रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो है, और साथ में क्या लिखा है, रूट थ्री एक्स माइनस रूट एट वाई इक्वल्स टू जीरो। तो आपको यहाँ पर एलिमिनेट सब्सटीट्यूशन मेथड करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है आपको इस क्वेश्चन को। तो गाइस सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम वाई इक्वेशन फर्स्ट करेंगे। तो ये आपका क्या है, रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल्स टू जीरो। तो रूट टू एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस का रूट थ्री y हो जाएगा, दैट मीन्स x cos 2 आपको हो जाएगा माइनस का रूट थ्री अपॉन में रूट टू वाई। इसको हम इक्वेशन थर्ड कंसीडर करेंगे। अब हमने चूंकि क्या करा, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, तो हम इसको कहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन एग्जैक्टली हम इसको इक्वेशन सेकेंड पुट करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में रखेंगे तो ये आपका देखो रूट थ्री। अब आपका x या x या क्या रखना पड़ेगा मुझे, माइनस का रूट थ्री अपॉन में रूट टू, और ये हो जाएगा y, माइनस का रूट एट वाई इक्वल्स टू क्या चल रहा है, जीरो। तो इसका रूट थ्री का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का थ्री अपॉन रूट टू वाई माइनस रूट एट वाई इक्वल्स टू जीरो। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, बाय कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस का थ्री अपॉन में रूट टू माइनस का रूट एट इक्वल्स टू जीरो। चूंकि पूरा ही मल्टीप्लाई में, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, जीरो के अपॉन में हो जाएगा, अलाई माइनस का थ्री अपॉन में रूट टू माइनस का रूट एट। सो बाय की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, जीरो। अब बाय की जो फाइनल वैल्यू आई वो जीरो आई, जिसको हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन थर्ड। तो हम थर्ड में इक्वेशन पुट करेंगे तो एक्स कॉस्ट क्या हो जाएगा, माइनस रूट थ्री इंटू रूट टू इंटू जीरो। तो x की फाइनल वैल्यू भी यहाँ पे क्या जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो गाइस ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।